अगे वध्या राघव चड्ढा नूं सलाहकार कमेटी का कल चेयरमैन बनाउण दा अधिकारिक ऐलान जिहड़ा पंजाब सरकार ने कर दिता ते अज उस फैसले नूं अदालत दे विच चुनौती दित्ती गई है। एडवोकेट जगमोहन पट्टी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन पा के इस फैसले नूं गैर संवैधानिक करार दिता है। पटीशन विच नियुक्ति नूं गैर कानूनी दसदे हुए रद्द करन दी मंग कीती है। नोटिफिकेशन नूं नजायज़ दस्या गया। राघव चड्ढा केजरीवाल मुख सकत्तर ते भगवंत मान नूं इस पटीशन दे विच पार्टी बनाया गया। दो दिन बाद मामले की सुनवाई होने की उम्मीद जाहिर की जा रही। राघव चड्ढा की एडवाइजरी कमेटी वजो चेयरमैन की नियुक्ति पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चुनौती दे दी गई है। मेरे नाल जगमोहन पट्टी मौजूद है एडवोकेट पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने चुनौती दी है। गलबात करते हैं पट्टी साहब, यह बड़ा ही कल दो बहुत अहम मुद्दा बनया हुआ पंजाब का और तुसी हुण इस नूं हाई कोर्ट के चुनौती दे दी है, आधार की कुछ बनाया है तुसी पहला? देखो जिहड़ी नोटिफिकेशन है वी के जंदूगा चीफ सैकटरी ने पंजाब ने उन्होंने ये इशू की है और नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज डिफेक्टिव। ये लैटर है नोटिफिकेशन का रूप नहीं धार सकती। नोटिफिकेशन का नंबर होंगे, यदा नंबर कोई नहीं, यदा एंडोर्समेंट नंबर है, चिट्ठी का एंडोर्समेंट नंबर होंगे। ईयर मार्किंग डिस्टिंक्शन जोड़ा सब तो व्डा ये है ये। दूजी चीज़ ये है भी नोटिफिकेशन के नाल इदा अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है भी पब्लिक ऑफिस कोई भी काम करता है वो अकाउंटेबल है, इसलिए जे उहदी अकाउंटेबिलिटी हैगी है तो इस तरह दियां अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकदियां। चीफ सैकटरी का जिहड़ा ऑर्डर है लैटर जिहड़ा अपॉइंटमेंट लैटर भी नहीं मन्या जा सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दी भी गल बात जिहड़ी हैगी है बहुत लोग जिहड़े सी एक्सपर्ट्स कर रहे हैगे सी। और दूसरा यह भी एक मुद्दा उठाया सी कि जो सीएम भगवंत मान ने वो एक डमी बन के रह जाएंगे कि जेकर एडवाइजरी कमेटी बनती हैगी है तो कुछ वो पॉइंट्स तुसी उहदे ते तुसी कुछ चैलेंज किया वो पॉइंट्स दस्से? मैं उहदे उत्ते भी चैलेंज किया। आर्टिकल 163, 164 ते 165 ये तीन आर्टिकल्स ने जिहड़े गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बारे गल करते हैं संविधान दे विच। काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसल ऑफ मिनिस्टर विच जिहड़ी फंक्शनिंग है वो सिर्फ गवर्नर की एड वास्ते होंदी है, भगवंत मान की एड वास्ते या चीफ मिनिस्टर की एड वास्ते ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रोविजन नहीं जिहदे मुताबक ये जिहड़ी है ऑर्डरस इशू होए ने और ये अपॉइंटमेंट हुई है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन जाता, सैलरी ना तो ना अलग चीज़ है कि वह घर नहीं लैणगे इत्थे, कि उन्हें ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, स्टाफ नहीं मिलेगा, कार कोठी डीए डीए ये वो सारा कुछ मिलेगा। उधर वो एमपी ने राज्यसभा दे ते की ये जिहड़ा कनैक्शन है कन्वीनर आम आदमी पार्टी दे अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी मैं पार्टी बनाया बाय नेम, तो राघव चड्ढा जी ने भी पार्टी बनाया, तो भगवंत मान जी ने भी मैं पार्टी बनाया बाय नेम एंड इन इज ऑफिशियल कपैसिटी भी ये की हो रहा तुसी इस चीज़ के उत्ते थोड़ा जिहा चानना पा दिओ। संविधान दियां धाराएं किवें उड़ाईयां गईयां, जे इन्हां नूं कैबिनेट रैंक दिता गया इसका मतलब ये है जिहड़े इलैक्टेड मैंबर हैं हाउस के जिहड़े इलैक्टेड मैंबर हैं उन्हां दा एक जिहड़ा बर्थ कैबिनेट बर्थ होना सी किसे नूं भी मिलना सी वो खत्म करता इन्हां ने। क्यों? क्योंकि जिहड़ी 91 अमेंडमेंट है संविधान की उहदे मुताबक 15% तों उत्ते साइज़ नहीं हो सकता कैबिनेट का। जे इन्हां नूं विच पा दिता जाए, एडवोकेट जनरल नूं विच पा दिता जाए जिहड़ा मैं रेटे च कहा, तो दो मिनिस्टरां दा जिहड़ा है वह लोगों का खाता खा गए। ये लोग लगेगी कदों पटीशन, एक दो दिन च या अज फाइल की है प्रोसैस हो के मेरा ख्याल है फ्राइडे तक लग जाएगी। कैमरा पर्सन सुमित क्लेयर के नाल निहा शर्मा, पीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़। वेला एक छोटी जी ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुहानूं दिखावांगे गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित नरमा किसानों की सरकार ने लई सार। ब्रेक तो बाद